आदरणीय छात्रश्री प्राचार्य महोदय से, हमारे भाई सतीश जी, जगवीर जी, अभेश जी, उमेश जी, मनीष जी, सभी उपस्थित महानुभाव, गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मान्य व्यक्तियों, सबसे पहले मैं आप सबसे माफी मांगूंगा, क्षमा प्रार्थी हूं कि जरा विलंब से आए। आज अष्टमी थी तो अष्टमी का पूजन एक समय निकल ही है, उसके बाद बाहर निकलते ही लगभग 100-150 अपने बंधु खड़े थे जो भी अपनी समस्याओं को लेकर थे, फिर रामबाग का जाम, इन सब के कारण मैं विलंब से आ पाया, वरना समय से आता। कुछ तो मजबूरियाँ रह जाएंगी, कोई यूनि में जमा नहीं होगा, हमारी मजबूरी थी, उस वजह से मैं तुम्हें आपसे क्षमा प्रार्थना हूँ पहले तो। दूसरी बात, जब मैं इस गांव में आया तो रस्ते में देख रहा था तो ऐसा ध्यान आया कि सतीश जी इसी गांव से है जिनका दिल्ली में इतना जलवा जलाल था। कभी दिल्ली गए नहीं होंगे या पॉलिटिक्स से वाकिफ नहीं होंगे, बहुत बड़ा नाम है सतीश जी का दिल्ली में, और मुझे टिकट दिलवाने में भी बहुत बड़ा हार्ड है सतीश जी 2012 में, तो पहली बिल्ली तो फिर तो मिलती रही, शुरुआत होनी चाहिए। तो इनकी इच्छा ही मेरे लिए आदेश था, जब मनीष ने बताया कि सतीश जी की इच्छा है, अवधेश जी की इच्छा है, मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पर आया। दुदड़ी में लाल छपा होता है, एक कहावत है, सतीश जी बिल्कुल उसके साक्षात हूँ। मित्रों, जैसा मैंने सुना अभी पूज्य पिताश्री जी के बारे में, बच्चे की मुस्कुराहट का कोई अंत नहीं होगा, फूल की खुशबू का कोई रंग नहीं होगा, लेकिन जब